नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कुलदीप पुत्र चोखाराम चाटव निवासी चिनोर वार्ड क्रमांक 14 रोजाना की तरह पति पत्नी 5 वर्ष के बच्चे के साथ छत पर सो रहे थे। गुरुवार की रात अचानक बारिश होने लगी, तब नींद खुली। छत से नीचे उतरे तो कमरे का ताला टूटा मिला। ये देख पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों ने चिल्लाना शुरू किया, आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। तब उर्मिला ने कमरे में घुसकर देखा तो तिजोरी खुली पड़ी थी, जिसमें से करदोनी, पायल, चपेटा, मंगलसूत्र, टोकस, लगभग 50,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गए, जिसकी सूचना सुबह थाने को दी गई। विवेचना करने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी अभिषेक सिंह सेंगर का कहना है कि इस संबंध में अभी तक किसी ने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई, ना कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। कैसे, आप कहाँ थे? छत पर सो रहे थे, और 12 बजे रात के 11 बजे हो गई। और हम आए तो सितारा खुला मिलो और सब बल्ब पलब बंद थे। कितने की चोरी हो गई, क्या क्या चला गया? चीज चली गई, 6 चीजें चली गई, 50,000 की चीज चली गई। थाने में सूचना दे दी? दे दी, पुलिस आई थी, क्या दे दी।